Swayam Prabha, Digital India, Educated India. हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिस इज माय लेक्चर नंबर नाइन यह मेरा नवा लेक्चर है लेक्चर नंबर नाइन जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बात करेगा मैंने इस स्लाइड के माध्यम से इस व्याख्यान में भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता को किस रूप में भारत के प्रत्येक नागरिक को यह उपलब्ध कराया गया है और नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्मानुसार रीति रिवाज के अनुसार अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अनुपालन प्रचार प्रसार कर सकता है क्योंकि आप सभी ये जानते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया और ये बात 1973 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एस आर बम्बई वर्सेज माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ए 1973 सुप्रीम कोर्ट के केस में स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है परंतु आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती और 1973 में ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया एस आर बोमई की केस में उसे और बल मर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एस आर बोमई केस में उसे और स्पष्ट कर दिया कि राज्य धर्म के प्रति तटस्थ है राज्य सभी धर्मों के प्रति सद्भाव सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है तो इन सभी आ, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टिकोण क्या है धर्मनिरपेक्षता पर और संवैधानिक प्रावधान क्या है धर्मनिरपेक्षता से संबंधित ये मैं इस व्याख्यान के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आप देखें जो स्लाइड है मैंने इसमें लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें मैंने आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स को ही कवर किया है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट जो है इसमें अलग से मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब इस आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के अंतर्गत आप स्लाइड पर देखें लिखा भारतीय संविधान सदाचार स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता होगी और धर्म को अबाध रूप से प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी अब ये बात संविधान की आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के अंतर्गत भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार स्वास्थ्य लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए अपने धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी अब प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार उसे अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है जो उसका अंतकरण की स्वतंत्रता होगी जो उसका अंतर्मन कहता है जिस भी धर्म को स्वीकार करने का और उस धर्म के अनुसार अपने को शासित करने का उस धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और केवल और केवल इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को अंतकरण की स्वतंत्रता अपने धर्म को प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान करता है और व्यक्ति अपने शुद्ध अंतकरण से जो उसकी अंतरात्मा कहती है वह किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उस धर्म के अनुसार अपने उस धर्म के जो टीनेट्स हैं टीनेट्स ऑफ रिलिजन हैं उस धर्म के तत्वों के अनुसार अपने को शासित कर सकता है उसमें विश्वास व्यक्त कर सकता है चूँकि धर्म विश्वास की बात है आप सभी जानते होंगे यद्यप कि धर्म की परिभाषा भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं दी गई है कि व्हाट इज रिलीजन धर्म क्या है और यह यह डिफाइन कर पाना संविधान निर्माताओं के लिए भी यह थोड़ा सा कठिन कार्य था उससे एक और समस्या आती तो हम केवल और केवल धर्म यहाँ पर जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव है वह केवल लिबर्टी फ्रीडम देती है सभी व्यक्तियों को कि वह अपने धर्म जो कोई भी व्यक्ति जिस धर्म से शासित हो रहा है उस धर्म को प्रचार प्रसार करे और यदि उस धर्म से उसे आ, जिस धर्म का है अगर उस धर्म से कोई समस्या है तो किसी धर्म का भी परिवर्तन करके जो से जिसे अच्छा लगता है वह कोई भी धर्म स्वीकार करके और उसके अनुसार अपने को उसमें अपना विश्वास व्यक्त कर सकता है चूँकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रदान किया गया है इसलिए धर्म की परिभाषा यहाँ पर केवल हम साधारण रूप में समझेंगे धर्म धृढ़ धातु से बना हुआ है धारण एत इति धर्म जो धारण करने योग्य है वही धर्म है जो एत धर्म, धार एत इति धर्म धारणेत इत धर्म जो धर्म जो धारण करने योग्य है वही धर्म है और कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म में विश्वास रखता है उस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वह स्वतंत्र है और राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ होगा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा सभी धर्मों के प्रति राज्य तटस्थता का भाव रखेगा सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखेगा ये संविधान के आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया लेकिन उस आर्टिकल 25 में जो पहले ही देखें तीन निर्बंधन भी दिए हुए हैं यह जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह कंप्लीट यह पूर्ण अधिकार नहीं है एप्सलूट राइट नहीं है जैसे कि यह सदाचार है स्वास्थ्य है लोक व्यवस्था है तीन आधारों पर इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है तीन कौन से ग्राउंड हैं इसमें आप देखें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मॉरेलिटी एंड हेल्थ एवरी पर्सन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए और सदाचार के अधीन रहते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा इसका तात्पर्य है कि यदि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के प्रचार प्रसार में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो स्टेट को ये पावर है कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा सकता है जहाँ पर भारतीय संविधान एक तरफ सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी प्रदान करता है वहीं पर दूसरी तरफ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे समाज में धर्मों के दो या दो से धर्मों दो या दो से अधिक धर्मों के मध्य सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे यह सुनिश्चित करने के लिए लोक व्यवस्था पब्लिक आर्डर के आधार पर इस धार्मिक स्वतंत्रता को रेगुलेट भी कर सकता है नियंत्रित भी कर सकता है जहाँ पर राज्य को यह संभावना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में धार्मिक उन्माद हो सकता है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है कोई भी हिंसा हो सकती है ऐसी स्थिति में राज्य आगे आकर के लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है उदाहरण के तौर पर यदि दो धार्मिक दो धार्मिक समुदाय इस बात का दावा करने लगें कि हम किसी एक विशेष मार्ग से ही होकर के अपना जुलूस निकालेंगे ये हमारी धार्मिक मान्यता का अभिन्न भाग है तो ऐसी स्थिति में राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस धार्मिक स्वतंत्रता को रेगुलेट कर सकती है और ये आदेश दे सकती है कि आप जुलूस निकालिए ये आपका फंडामेंटल राइट है आप अपने धार्मिक मतानुसार अपने देवी देवता की पूजा करिए परंतु एक दिशा विशेष एक रास्ते विशेष से जाने पर जिसमें लोगों के आवागमन का आवागमन प्रभावित होगा और न केवल आवागमन प्रभावित होगा बल्कि लोक शांति भंग हो सकती है इसलिए आप इस विशेष मार्ग से न होकर के आप सरकार के द्वारा बताए हुए किसी रास्ते किसी मार्ग से आप उसको डायवर्जन किया जा सकता है रास्ते का कोई ये कहेंगे नहीं मैं इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही अपने धार्मिक स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करूंगा तो ऐसी स्थिति में लोक व्यवस्था शांति भंग की आशंका में उनके इस अधिकार में हस्तक्षेप किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि वह इसके अतिरिक्त अपने धार्मिक स्वतंत्रता को प्रचार प्रसार कर सकते हैं धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं वह धार्मिक सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन धार्मिक सम्मेलन करने से यदि लोकहित प्रभावित होगा मानव स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो ऐसी स्थिति में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है संविधान स्वयं तीन आधारों पर राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान करता है वो मैंने बताया सदाचार व्यवस्था और स्वास्थ्य अब ये देखते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म से संतुष्ट नहीं है तो क्या ऐसी स्थिति में वह उस धर्म का त्याग कर दूसरा धर्म स्वीकार कर सकता है या जायज़ माना जाएगा तो भारतीय संविधान इस बात की अनुमति प्रदान करता है कि जो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संतुष्ट न रहते हुए दूसरे धर्म को स्वीकार करना चाहता है उसकी आस्था विश्वास किसी दूसरे धर्म में है तो वह दूसरे धर्म को स्वीकार कर सकता है और धर्म परिवर्तन उसका मौलिक अधिकार है यदि वो अपने धर्म से संतुष्ट नहीं है तो धर्म त्याग कर दूसरा धर्म स्वीकार कर सकता है परंतु धार्मिक धर्म परिवर्तन यदि प्रलोभन से या धर्म परिवर्तन दबाव के अधीन किया गया है तो ऐसी स्थिति में राज्य हस्तक्षेप कर लेगा यदि दबाव का कोई भी तत्व या प्रलोभन का कोई भी तत्व इंड्यूसमेंट का कोई भी तत्व या थ्रेट का कोई भी तत्व उस धर्म परिवर्तन में शामिल है तो वह धर्म परिवर्तन राज्य अनुमति प्रदान नहीं करेगा सर्वप्रथम उच्चतम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस स्लाइड पर देखें स्क्रीन के माध्यम से धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है मैंने इसमें लिखा हुआ है और इस मत की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1977 में इसी रवि स्टेनिलास वर्सेस स्टेट ऑफ एम मध्य प्रदेश राज्य ए 1977 सुप्रीम कोर्ट के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि धर्म परिवर्तन यदि प्रलोभन से किया जा रहा है तो ऐसा धर्म परिवर्तन असंवैधानिक माना जाएगा और उसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है ऐसा प्राय देखा गया कि कुछ भारत के कुछ राज्यों में आ, कुछ प्रलोभन दे करके धन की लालच देकर के और धर्म परिवर्तन के लिए संस्थाएं सक्रिय हो गई थी तो ऐसी स्थिति में जहाँ निर्धनता और गरीबी है वो व्यक्ति अपने धर्म को त्याग करके और दूसरे को दूसरे धर्म को यदि स्वीकार कर रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्य का हस्तक्षेप किया जाना संविधान सम्मत है और आवश्यक भी है तो ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन को वहाँ पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है जब धर्म परिवर्तन लोभ से प्रलोभन से धन लालच से कोई करता है वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा सकता है इस केस के माध्यम से आप इसको देखेंगे अब आते हैं एक केस धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आप देखें अयोध्या मामला कि का नाम है इसमें इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब यह इस्माइल फारूकी केस अयोध्या मामले के नाम से भी जाना जाता है आप सभी जानते होंगे अयोध्या 6 दिसंबर उन्नीस की जो घटना घटित हुई उसको लेकर के इस्माइल फारूकी ने केस फाइल किया कि चूंकि नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जा सकती है मस्जिद में नमाज पढ़ना यह इस्लाम धर्म का आवश्यक तत्व है अतः पक्षकार को मुस्लिम समुदाय को उस स्थान पर नमाज से वंचित करना मस्जिद से नमाज से वंचित करना यह उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय किया गया कि आ, कुरान जो कि इस्लाम का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ के द्वारा ये मामला डिसाइड किया गया था संविधान पीठ के द्वारा इस्लामिक स्कॉलर से और कुरान टेक्स्ट को संदर्भित करते हुए इस इस कुरान जो उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है जिसको जिसका वो दावा कर रहे थे कि यह कुरान में लिखा हुआ है कि मस्जिद में नमाज करना इस्लाम का आवश्यक तत्व तो है उस कुरान को भी रेफ़र किया गया संदर्भित किया गया इस्लामिक स्कॉलर की सलाह ली गई ये पाया गया कि कुरान उस पर साइलेंट है यह कहीं नहीं लिखा है कुरान में कि मस्जिद में ही नमाज़ करना माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुरान को संदर्भित करते हुए इस मामले में निर्णित किया गया कि मस्जिद में ही नमाज करना यह इस्लाम का आवश्यक तत्व तो नहीं है नमाज जो प्रेयर एक प्रकार की प्रार्थना है मुस्लिम समुदाय के द्वारा की जाती है फाइव प्रेयर्स इन अ डे पाँच पाँच वो नमाज़ करते हैं चौबीस घंटे में तो यह माना जाता है कि वे आ, बाई प्रेइंग दैट नमाज दे दे जस्ट वॉन्ट टू प्लीज द गॉड उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं ये उनकी अपनी मान्यता है परंतु ये माना गया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि नमाज मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ना ये इस्लाम धर्म का आवश्यक तत्व तो नहीं है नमाज किसी खुले स्थान में भी की जा सकती है तो इस तरह से एक बात जो क्लियर हो गई जो चला रहा था विवाद इस अयोध्या मामले में कि नमाज़ मस्जिद में ही पढ़ी जाए यह इस्लाम धर्म का आवश्यक तत्व तो नहीं है और इसलिए रोका गया समुदाय विशेष को कि वहाँ पे दो समुदाय हिंदू धर्म भी वहाँ पे पूजा कर रहा है और मस्जिद में इनको भी अनुमति प्रदान की जाएगी तो हिंसा हो सकती है लोक व्यवस्था पब्लिक आर्डर इसमें डिस्टर्ब हो सकता है लोक शांति बनाए रखने के लिए लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के द्वारा यदि हस्तक्षेप किया जाता है अनुमति प्रदान की जाती है कि आप कहीं किसी अन्यत्र स्थान पर हम स्थान देते हैं आप वहाँ पर नमाज प्रश्न अपना अदा करिए तो यह लोक व्यवस्था के आधार पर राज्य हस्तक्षेप कर सकती है दूसरा महत्वपूर्ण जो इसमें प्रश्न था कि राज्य धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण कर सकती है इसमें देखें राज्य धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण कर सकती है यह भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया कि धार्मिक स्थल हैं वहां पर यदि कोई किसी प्रकार की स्वास्थ्य या सदाचार के आधार पर कोई समस्या है तो उस राज्य धार्मिक स्थल को एक्वायर कर सकती है और ट्रस्ट बना सकती है जैसे आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर जो वैष्णो देवी ट्रस्ट है वैष्णो देवी मंदिर को ट्रस्ट बना दिया गया और उसका देख रेख उसकी जो उसका जो मैनेजमेंट है प्रबंधन है वह राज्य अपने पास रख सकती है तो मैं ये बता रहा था कि इस्माइल फारूकी केस अयोध्या मामले केस में दो बातें न्यायालय ने स्पष्ट कर दी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहला तो ये कि राज्य के द्वारा किसी धार्मिक स्थान का अधिग्रहण किया जा सकता है और वो अवैध है लोक शांति लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूसरा मस्जिद में ही नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का आवश्यकता तो नहीं है नमाज किसी खुले स्थान में भी पढ़ी जा सकती है यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि जो अयोध्या मामला है यह संविधान की आर्टिकल वन से जुड़ा हुआ मामला है जो संविधान की आर्टिकल वन के अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है कि राष्ट्रपति यदि किसी भी प्रश्न पर उसे ऐसा प्रतीत होता है उसके समक्ष यदि कोई ऐसा प्रश्न आया जाता है जिस प्रश्न पर विधि स्पष्ट नहीं है संविधान के कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है या विधि स्पष्ट नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल वन के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय से विधिक राय के लिए परामर्श के लिए वह उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं तो आप जैसा जानते होंगे यदि मैं इसी स्क्रीन पर आपको दिखाऊं कि इस केस को और भी किस संविधान के किस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट है वन वहाँ पर है और इस स्थान पर यदि आप वन को भी मेंशन कर देते हैं तो एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस अयोध्या मामले से इस्माइल फारूकी केस से आपको आ जाएगी वहाँ संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जब कभी भी केस विधिक राय के लिए उच्चतम माननीय उच्चतम न्यायालय को संविधान के आर्टिकल 143 के अंतर्गत भेजी जाती है तो हम समानता उस केस को लिखते हैं इंद्री रेफरेंस टू इन री अयोध्या केस ए आई आर नाइन सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस टू अयोध्या केस अयोध्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मामले को संदर्भित किया जाना मामले को रेफर किया जाना उस जब मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विधिक राय के लिए संदर्भित किया गया तो प्रश्न यह था कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय संविधान की आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा भेजी गई सभी परामर्श को मानने के लिए बाध्य है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि संविधान की आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सभी प्रश्नों पर विशेषकर जो राजनीतिक प्रश्न हैं राजनीतिक प्रश्नों पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है जो पोलिटिकल क्वेश्चन हैं पोलिटिकल क्वेश्चन हैं उन पॉलिटिकल क्वेश्चन को उच्चतम न्यायालय उस पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है तो एक बात ये क्लियर हो गई कि चूंकि इस प्रकार के जो बुंदे हैं वह राजनीतिक समझौते के तहत सम सुल समझौते के तहत समाधान किए जाने चाहिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और कहा कि राजनीतिक प्रश्नों का जवाब देने के लिए सलाह देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है दूसरा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के आर्टिकल 143 में यह कहा गया कि यद्यप कि संविधान आर्टिकल 143 के अंतर्गत जिस प्रकार से राष्ट्रपति को पास पावर देता है कि वह किसी भी विषय पर विधिक राय के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करें मामले को उसी तरह उस आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है तो इस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आ, यह इस प्रकार का उसमें आर्टिकल वन के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया है तो अयोध्या मामले में भी अयोध्या माम अयोध्या केस को भी रेफरेंस के लिए 143 में भेजा गया तो मैंने शो कि थोड़ा इससे महसूस हुआ कि जब मैं अयोध्या केस इस्माइल फारूकी केस को डिस्कस कर रहा हूँ तो यहीं पर आर्टिकल वन जो कंसल्टेटिव एडवाइजरी जो एडिक्शन आप सुप्रीम कोर्ट है उसको भी यहाँ पे कर दें जिससे कि आप छात्रों को सहूलियत होगी 143 भी साथ ही साथ आपको याद हो सकता है अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अब इसमें देखें सबसे महत्वपूर्ण जो केस है यस आर बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस केस को यस आर बम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर सुप्रीम कोर्ट मैंने इसमें लिखा है कि संविधान की नौ न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा डिसाइड किया गया आउट ऑफ नाइन जजेज जो आप सुप्रीम कोर्ट सिक्स जो है पक्ष में थे और तीन विपक्ष में, 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 में स्पष्ट हो जाए कि केस में सर्वप्रथम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह अनिर्णित कर दिया गया कि धर्म निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है और यदि आधारभूत ढांचे को नष्ट करने का प्रयास कर रहा किया जा रहा है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है अब इस केस को एसआर आर बोमई केस को मैं फैक्ट तथ्य क्या है मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। आप इसको देखें 6 दिसंबर उन्नीस को बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड के पश्चात उन राज्य की सरकारों को जिन राज्यों में एक राजनीतिक दल राजनीतिक दल विशेष की सरकार थी यह उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर प्रदेश की न केवल तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार को बल्कि जिन जिन राज्यों में दल विशेष की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस उन सभी राज्यों में मध्य प्रदेश में राजस्थान में उन राज्य सरकारों को मध्य प्रदेश राज्य सरकार राजस्थान राज्य सरकार हिमाचल उन राज्य की सरकारों को बर्खास्त करके संविधान केंद्रीय सरकार ने आर्टिकल तीन लागू कर दिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में प्रावधान किया गया है कि जब राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार न चलाई जा सके और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा समीचीन होगा कि वह उस राज्य की सरकार को निलंबित कर उसके पावर उसकी शक्तियों को केंद्र में निहित कर दें और वह राज्य की सरकारें केंद्र के द्वारा संचालित हों अब ये देखें कि आर्टिकल 356 में जो ग्राउंड नहीं दिया गया बस इतना लिखा है संविधान की आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स में कि जब राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही हो और राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन उसको साधारणतः बोलते हैं राज्य में सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर उसे केंद्र के अधीन किया जा सकता है केंद्र का नियंत्रण केंद्र, केंद्र के माध्यम से राज्य की सत्ता व्यवस्था को चलाया जा सकता है अब वे कौन सी परिस्थितियां होंगी जब ये माना जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो ये आर्टिकल 356 में ग्राउंड नहीं दिया गया है परंतु संविधान में ही इस बात को लिखा गया है कि जब केंद्र के द्वारा दिए गए किसी निर्देश को राज्य सरकार मानने से इनकार कर दे या राज्य सरकार संविधान के विपरीत कार्य करने लगे तो यह पावर जो है भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है कि यदि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को राज्य के राज्य ने मानने से इनकार कर दिया हो जैसे कि रेलवे का विस्तार है रेलवे का विस्तार जो लैंड है ज़मीन है वह राज्य सूची का विषय है और रेलवे का विस्तार होना है राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार होना है यह केंद्र सूची का विषय है और केंद्र सरकार चाहती है कि रेलवे का विस्तार करूं मैं किसी राज्य में और राज्य कहता है कि नहीं मैं लैंड आपको जमीन मेरी है जमीन मैं नहीं दूंगा तो यह एक स्थिति जो संवैधानिक एक एक एन आर की उत्पन्न होगी और ऐसी स्थिति में केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है कि रेलवे विस्तार के लिए या राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होगा लैंड एक्वायर नहीं करेगा तब तक हम रेलवे ट्रैक नहीं बना सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बना सकते अब इस दिशा निर्देश का पालन यदि राज्य नहीं करती है राज्य जमीन अपनी लैंड देने से मना करती है तो ऐसे स्थिति में ये मानने के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है परंतु यहाँ पर एक स्थिति दूसरी थी एसआर बोमई केस में कि जब 6 दिसंबर उन्नीस को उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद विध्वंस से दंगे भड़के अशांति उत्पन्न हुई तो क्या एक राज्य की एक राज्य में अशांति होने से अन्य राज्यों की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और केंद्र सर केंद्र में उस समय सरकार जो केंद्र और राज्य स्तर में उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में दलीय असमानता थी तो दलीय समानता होने की स्थिति में केंद्र सरकार ने राज्यपाल से प्रतिवेदन लेकर रिपोर्ट लेकर के उन सभी राज्यों में जिनमें केंद्र से भिन्न दली गतिरोध था दली भिन्न आधार ऊपर वो राजनीतिक दल अर्थात हम कहें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसको मात्र इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया उन राज्यों में आर्टिकल तीन तीन सौ छप्पन लागू कर दिया गया जिन राज्यों में एक दल विशेष की एक दल विशेष के द्वारा शासन की जाने वाली पार्टी थी तो अब यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या अगर एक राज्य में अगर हिंसा हो रही है तो उस राज्य में हिंसा के आधार पर हम कई उन राज्यों में कई राज्यों में जिन राज्यों में एक एक राज एक दल विशेष की सरकार है हम उन सभी राज्यों में उस सरकार को बर्खास्त कर दें और आर्टिकल 356 लागू कर दें ये माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न था एस आर बम्बई की केस में धर्मनिरपेक्षता तो था ही था माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको सेकुलरिज्म को इसमें रिकोग्नाइज़ किया ही लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि कैसे एस आर बम्बई की केस में यसआर बम्बई के द्वारा भारत सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें एक राज्य में हुई घटित हिंसा के फलस्वरूप कई राज्यों में लगभग चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार को बर्खास्त कर आर्टिकल 356 लागू कर दिया गया तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस मामले में यह निर्णित किया गया कि किसी एक राज्य की सरकार किसी एक राज्य की सरकार की संवैधानिक विफलता हम अन्य राज्यों को अन्य राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का आधार नहीं बना सकते मात्र इस आधार पर कि वह एक उन राज्यों में भी उसी राजनीतिक दल की सरकार है तो ऐसी स्थिति में चूंकि आर्टिकल 356 लागू हो चुका था और विधानसभा भंग हो चुकी थी तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि जो छः माह और एक वर्ष राज्यों की विधानसभाएं भंग हो गई थी सरकार बर्खास्त थी विधानसभाएं भंग थी और वहां का निर्णय केंद्र के द्वारा लिया गया था क्या हम उस निर्णय को भी अवैध माने क्योंकि जब हमने तीन को अवैध मान लिया उन राज्यों में जिन राज्यों में जिन राज्यों में आर्टिकल थ्री लागू की गई थी तो उन राज्य में जो केंद्रीय फैसले केंद्रीय सरकार के जो फैसले थे क्या वह संविधान सम्मत हैं या उनको भी अवैध माना जाए तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा चूंकि उस पर महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा चुके हैं सरकार से तो वह पहले जो जितनी बातें पिछले निर्णय लिए गए हैं उसको तो हम संवैधानिक घोषित करेंगे लेकिन अब जिस दिन से इस निर्णय को दिया जा रहा है इस दिन के पश्चात वहाँ की सरकार को रियो वहाँ की सरकार को बहाल किया जाता है उन राज्य की सरकारों को बहाल किया जाता है जिन राज्यों में आर्टिकल तीन सौ छप्पन दुर्भावना मैला फाइटी ग्राउंड पर लगाया गया था तो एक इस एस आर का केस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें दो पांच छह पॉइंट जो दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण है मैंने मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको इसका उल्लेख यहीं पर कर दूं जिससे कि आपको पूरी जानकारी एस आर की केस की यहां पर हो जाए तो पहला एस आर की केस में महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणी प्रश्न क्या था उच्चतम न्यायालय के समझ कि, कि क्या एक राज्य की एक राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना अन्य राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने का आधार हो सकता है दूसरा क्या एक राज्य में यदि हिंसा हुई तो अन्य राज्य की सरकारों में मात्र इस आधार पर आर्टिकल तीन लागू कर दिया जाए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए कि उन्हीं उन राज्यों में भी उसी राजनीतिक दल की सरकार है वहाँ भी हिंसा भड़क सकती है इस आधार पर वहाँ उन सरकारों को लोकतांत्रिक सरकारों को बर्खास्त करना संविधान सम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकारात्मक जवाब दिया कि किसी एक राज्य विशेष में हिंसा का होना और संवैधानिक तंत्र का विफल होना उस केवल संबंधित राज्य की विफलता तो मानी जा सकती है उस राज्य में आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू करना समीचीन है आवश्यक है परंतु अन्य राज्य की लोकतांत्रिक सरकारों को चुनी हुई सरकारों को मातृ साधार पर बर्खास्त कर देना और आर्टिकल तीन सौ छप्पन वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना कि वह उसी राजनीतिक दल की सरकार है वहाँ भी हिंसाएं भड़क सकती हैं यह गलत है एक दूसरा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें निर्णय दिया गया वो ये भी है कि जिस भी राज्य सरकार के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा उस राज्य की सरकार को यह माना जाएगा राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और राज्य में संविधानिक तंत्र विफल हो चुका है चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है सेक्युलरिज्म जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है इसे संसद संशोधन के माध्यम से भी समाप्त नहीं कर सकती तीसरी बात कि यदि किसी भी राज्य में किसी भी राज्य की सरकार धर्मनिरपेक्षता के धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने में असमर्थ असफल रही है असमर्थ रही है तो उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना आर्टिकल 356 लागू करना यह विधिपूर्ण होगा और ये माना जाएगा कि वह राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है और संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है ये तो फोर्थ पॉइंट हो गया फिफ्थ पॉइंट ये हो गया इसमें कि यदि पहले राष्ट्र पहले जो आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू किया जाएगा तो सस्पेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिजोलूशन ऑफ स्टेट असेंबली एक साथ दोनों नहीं हो सकते अब ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण गाइडलाइन है इस आर बमई केस में कि विधानसभा का निलंबन करना और विधानसभा को भंग करना दोनों एक ही साथ नहीं हो सकता देखें सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन बोथ कैन नॉट बी डन सैमिनेट नहीं कैन नॉट बी डन एट ए टाइम ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर राज्य की सरकार संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है और आर्टिकल तीन लागू कर दी गई है तो यह प्रभाव दो माह तक रहेगा दो लागू होने की तिथि से दो माह तक विद इन टू मंथ्स दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों को उस प्रस्ताव को अगर अनुमोदन कर दिया जाए तो वह फिर अगले छः महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है और जब सदन के संसद के दोनों सदन दो माह के भीतर इस बात की पुष्टि कर दें दोनों सदन के सदस्य इस बात की साधारण बहुमत से इस बात की, की पुष्टि कर दें कि उस राज्य में आर्टिकल तीन का लागू किया जाना विधिपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में तभी जाकर के उस राज्य की सरकार उस राज्य की विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए डिजॉल्व किया जाना चाहिए पहले तो सस्पेंड हो गई आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू हुआ उस राज्य की सरकार को हम सस्पेंड कर दिए विधानसभा भंग हो विधानसभा निलंबित हो गई परंतु दो माह तक वह निलंबित होगी भंग तभी किया जाएगा जब दो माह के भीतर संसद के दोनों सदन उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दें साधारण बहुमत से कि यहाँ पर राज्य सरकार को अब राष्ट्रपति शासन जो तीन सौ छप्पन लागू किया गया है यह संविधान सम्मत है तो उसे फिर उस राज्य की विधानसभा को भंग करते हुए और केंद्र राज्य की सरकार को अपने राज्य राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र के अधीन होगी और यह फिर उसका विस्तार छः माह तक हो सकता है फिर छः माह में रेटिफाई हो गया अगले छः माह तक हो गया और फिर हम उसको एक निधाई समय के भीतर चुनाव कराएंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि विधानसभा का निलंबन और भंग करना दोनों एक साथ नहीं हो सकता पहले सस्पेंशन करें और पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद उसको हम विधानसभा को भंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप को मैंने एस आर केस के सारे तथ्य को भी और सभी दिशा निर्देश को भी मैंने यहां पर आपको बता दिया तो अभी देखिए ये संविधान की आर्टिकल 356 में बहुत इंपॉर्टेंट केस है और यह केंद्र राज्य संबंध पर इम्पॉर्टेंट केस है ए संविधान की आर्टिकल 25 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट केस है तो मैं समझ मुझे लगता है आप देखेंगे कि एसआर आर बम्बई से संबंधित मामला जो केस है और जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं अब मैंने इसको स्क्रीन पर आप देखें तो मैंने इसको, आ, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि एस आर केस में धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है विशेष बहुमत से भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है राज धर्म के प्रति तटस्थ है पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना में संविधान के बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस द्वारा जोड़ा गया मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बताने का पढ़ाने का उद्देश्य यह भी होता है कि छात्रों को उस प्रावधान से संबंधित समस्त सामग्री और सूचना इन्फॉर्मेशन एक जगह यदि मिल जाए तो वह उन उनको प्रारंभिक परीक्षा भी पास होने की संभावना रहेगी साक्षात्कार इंटरव्यू में वो कहीं से उस उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं लिखित परीक्षा का भी जवाब वो सही से दे सकते हैं इसलिए मैं इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें जब मैं संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ तो साथ ही साथ मैंने एस आर बोमई केस में जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं तीन सौ छप्पन के अंतर्गत थ्री फिफ्टी सिक्स के अंतर्गत उसको भी एक साथ ही मैंने आपको बताने का प्रयास किया जिससे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक साथ इस केस के विषय में मिल जाए वरना केवल मैं इतना लिख करके स्क्रीन पर आपको बताता कि एसआर आर बोमई बना महाराष्ट्र संघ के केस में धर्मनिरपेक्षता राज्य धर्म के प्रति तटस्थ है यही निर्णय दिया गया तो आप इसके तथ्य को भी नहीं समझ पाते कि इसमें क्या वास्तव में घटना घटित हुई क्यों यह केस माननीय उच्चतम न्यायालय के समझ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अतिरिक्त क्या बातें इसमें कही है तो यह एस आर के से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने का प्रयास किया है और दूसरा इसमें एक अन्य एक भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया वह यह था कि यदि उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान की आर्टिकल 74 के अंतर्गत देखिए अब एक केस एस आर मुंबई की केस आर्टिकल 74 में भी इम्पोर्टेंट हमें अगर इसको स्क्रीन पर लिखूँ कि ये कहाँ कहाँ इसका उल्लेख हो सकता है सेवेंटी फोर के अंतर्गत प्लस आर्टिकल थ्री के अंतर्गत भी है और ये कैसे ये जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है इसका जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट सारी सूचना मैंने एक बार एक जगह बताने का प्रयास किया आप सभी जानते होंगे कि संविधान के आर्टिकल सेवेंटी फोर उपधारा उपखंड दो के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई परामर्श किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जा सकेगी अर्थात जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के और प्रेसिडेंट के बीच कम्युनिकेशन है संसूचनाएं हैं उसको संविधान के आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लास टू के अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया गया है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लास टू तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक बात ये भी आई आ, सरकार की तरफ से यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो यह दलील दी गई प्री लिया गया कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि वे कौन से ग्राउंड थे जिन ग्राउंड पर आपने अन्य राज्यों की सरकार को बर्खास्त करते हुए आर्टिकल तीन सौ छप्पन लागू किया तो केंद्र सरकार की तरफ से भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया न्यायालय में तर्क दिया गया कि आर्टिकल सेवेंटी फोर क्लास टू के अंतर्गत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भारत के राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है उस सलाह को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है और न तो न्यायालय न तो कोई कोर्ट उसकी उसको रिव्यू कर सकता है परंतु आप यहां देखें कितना इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जुडिशियल रिव्यू ये संविधान का आधारभूत ढांचा है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है रिव्यू करने का यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेवेंटी फोर के अंतर्गत मंत्रिपरिषद ने क्या परामर्श दी है हम उसको रिव्यू नहीं कर सकते परंतु हम ये रिव्यू कर सकते हैं इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि किन ग्राउंड्स पर वह राय दी गई व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट एडवाइस गिवन बाय दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस ग्राउंड पर वह एडवाइस दी गई सुप्रीम कोर्ट कैन टेस्ट द मेटीरियल ग्राउंड ऑन विच दैट एडवाइस वॉज गिवन बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वे कौन से मैटीरियल हैं कौन से ग्राउंड तथ्य थे जिन तथ्यों के आधार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दी और उस एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 356 फिफ्टी इम्पोज किया उस स्टेट में तो सबसे पहली बार देखिए बमई केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णय किया गया कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह परामर्श का भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं क्या सलाह दी है उसकी तो नहीं लेकिन किस आधार पर सलाह दिया है उस आधार का जो है जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी एस आर केस में निर्णित किया गया दिशा निर्देश दिया गया कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये पाती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया दुर, राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित था मैला फाइट ग्राउंड पर आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स इम्पोज की गई थी तो उस राज्य की सरकार को बहाल करने का पावर बहाल करने का मतलब रियोग वहाँ थ्री को रियोग कर सकती है और गवर्नमेंट को रिवाइव कर सकती है पुनर्जीवित कर सकती है पुनः उसे जीवित कर सकती है अर्थात पाँच वर्ष का राज्य का पाँच वर्ष के लिए विधानसभा का चुनाव होता है निर्वाचित सरकार को अगर बर्खास्त किया गया एक वर्ष बाद दो वर्ष के बाद बस सपोज बर्खास्त कर दिया गया दो वर्ष की दो वर्ष के पश्चात राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया अभी उसके पास तीन वर्ष है और दो वर्ष के दो वर्ष पश्चात उस राज्य में आर्टिकल थ्री लागू हो गई और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के समझ चली गई या सार्वमिक गाइडलाइंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उस राज्य की सरकार को आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स गलत आधारों पर लागू की गई है यह नहीं होना चाहिए था तो उच्चतम न्यायालय उस राज्य की सरकार को बहाल कर सकती है माना कि जैसे दो महीने के भीतर ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो दो महीने तो सस्पेंड करने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को तीन लागू करके लेकिन अगर पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं कर पाया और प्रथम दृष्टि लग गया कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई युक्त कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं दिया है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की सरकार को सुप्रीम कोर्ट या की केस में कहा है कि रिवाइव करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने पावर संविधान से ही लिया है संविधान से ही मिला है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ मीयर स्पेक्टेटर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट मियरली मेयरली स्पेक्टेटर यह केवल उच्चतम न्यायालय मूक दर्शक के रूप में नहीं बैठ सकता यदि नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का, भारती का संरक्षक भी माना जाता है तो संविधान के यदि किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय वह मूक दर्शक के रूप में नहीं बैठ सकता है और वह आगे आकर के संवैधानिक अधिकारों के लिए मौलिक अधिकारों के लिए संवैधानिक उपबंधों की रक्षा के लिए कोई भी अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकता है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है तो आपने देखा कि मैंने एस से संबंधित समस्त इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया ये राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत थी तो अब मुझे लगता है कि आप एस से संबंधित सभी तथ्य समझ गए उसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया समझ गए और ये धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है और राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का एक आधार भी हो सकता है यदि राज्य की सरकार धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि हम उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं परंतु तो एक राज्य की सरकार में अगर धर्मनिरपेक्षता की धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य कर रही है तो हम अन्य राज्यों की सरकार को मात्र इस आधार पर बर्खास्त नहीं कर सकते कि उन राज्यों में भी उसी राजनीतिक दल की सरकार है तो अब मुझे पूरा विश्वास है एस आर बोम्बई से संबंधित समस्त सूचना आप को मैंने देने का प्रयास किया और आप सभी इसको अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं दूसरी स्लाइड पर कि संस्कृत शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं यदि संस्कृत में शिक्षा दी जा रही स्कूलों में तो संस्कृत शिक्षा का दिया जाना ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है अब इसमें यह केस संतोष कुमार वसे सचिव एम एच तो है ही दूसरा इसमें एक केस है मैं आपको इसी पे लिख दूं अरुणा राय का केस है अरुणा राय वर्सेस यूनियन यूनियन ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया हुँ? और ए ए आई आर टू थाउजेंड टू तो दो केस हो गया देखिए संत, संतोष कुमार वर्सेस सचिव एम एच आर डी और अरुणा राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई सुप्रीम कोर्ट इस केस में अरुणा राय बनाम भारत संघ ए आई सुप्रीम कोर्ट के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय किया गया कि स्कूलों में संस्कृत में शिक्षा देना संस्कृत को एक पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित करना ये शिक्षा का भगवाकरण नहीं है संस्कृत हमारी सभ्यता का अभिन्न अभिन्न भाग है संस्कृत हमारे सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है और हम संस्कृत के ज्ञान के बिना भारतीय भारतीय संस्कृत को भारत के संस्कार को भारतीयता को हम नहीं जान पाएंगे इसलिए यदि संस्कृत माध्यम से स्कूल में अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है छात्रों को संस्कृत पढ़ाई जा रही है तो इसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है और यह कहीं से भी आर्टिकल ट्वेंटी फाइव पच्चीस का उल्लंघन नहीं है तो एक बात क्लियर हो गई दूसरा इसमें आप केस देखें बिजो इमैनुअल वर्सेस बिजो वर्सेस इमैनुअल ए ए आई आर राष्ट्रगान केस के नाम से है यह केस इस केस में क्या हुआ केरल राज्य में आ, बिजो इमैनुअल को आ, इसको राष्ट्रगान केस के नाम से भी जानते हैं इसमें एक क्रिश्चियन एक छात्र को जो राष्ट्रगान के समय मात्र खड़ा था और राष्ट्रगान नहीं गा पा रहा था उसको विद्यालय से इस आधार पर निष्कासित कर दिया गया था कि वह राष्ट्रगान नहीं गा पा रहा था तो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रगान के समक्ष खड़ा होना और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान आदर व्यक्त करना और राष्ट्रगान न गाना इससे वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं वह राष्ट्रगान के समय अगर शांत भी है चुप भी है खड़ा भी है तो ऐसी स्थिति में इसे नहीं कहा जा सकता कि धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है इस पर केस संस्कृत शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं मैंने दो केस लिखा है इसमें संतोष कुमार वर्सेस अरुणा राय और संतोष कुमार वर्सेज सचिव एम एस अरुणा राय बनाम भारत संग या यार दो हजार दो अब आते हैं इसमें शायरा बानो वर्सेज भारत संघ ए आई सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है इसमें भी ये वर्ष 2017 का मामला है ये ट्रिपल तलाक़ से संबंधित केस है और आपको ये बता करके इसमें भी देखें 2017 में जो केस आया शारा बानो का ट्रिपल तलाक केस इसमें इस ट्रिपल तलाक को भी वेल well, स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एस आर बम्बई वर्स यूनियन ऑफ इंडिया ए 1994 के विषय में विस्तार से चर्चा की कि जिसमें धर्मनिरपक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया और एस आर बम्बई की केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए थे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एस आर बम्बई केस के सारे तथ्य को और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को आप समझ पाए होंगे अब आते हैं एक महत्वपूर्ण केस जो सायरा बानो बनाम भारत संघ ए आई के माध्यम से आप स्क्रीन पर देखें और इसे इसमें ट्रिपल तलाक केस के इसको नाम से जानते हैं ट्रिपल तलाक केस तलाकुल बिद्दत मैंने इसमें लिखा हुआ अभी एक तलाकुल बिद्दत को असंवैधानिक घोषित किया गया और इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें स्पष्ट किया अब अब इस केस के फैक्ट को देखते हैं कि शाहरा बानो केस में वास्तव में क्या घटना घटित हुई आप जैसा कि ये जानते हैं अब, इस्लाम धर्म के अंतर्गत ऐसी मान्यता है कि मुस्लिम इस्लाम पुरुष इस मुस्लिम धर्म के अंतर्गत इस्लाम धर्म के अंतर्गत मुस्लिम पुरुष एक साथ चार विवाह कर सकता है ही कैन हैव ही कैन हैव ए फोर वाइफ्स एट ए टाइम ये ऐसा ये तब प्रावधान किया गया होगा जब चूँकि फीमेल रेक्स सेक्स रेशियो में काफ़ी डिफरेंस आ गया था और उस समय की बात है जब प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद ने सेक्स uh, रेशियो में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई थी वो इसलिए हो गई थी कि उस समय तत्कालीन समाज में जिस समय इस्लाम को विकसित किया गया उस समय ज़्यादातर मुस्लिम या तो युद्ध में मार दिया जाया करते थे और युद्ध में मार दिया जाए युद्ध में मार दिए जाने से जो पुरुषों की संख्या थी वो कम हो गई थी इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद ने अलाउ किया कि मुस्लिम पुरुष स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है तो मुस्लिम पुरुष जो है एक साथ यदि चार स्त्री के प्रति वह सम्मान व्यक्त करना चाहता है उसको उसके रख रखाव उसके फाइनेंशियल उसके सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाना चाहता है तो वह इस या बेटर होगा एंड गॉड विल हेल्प हिम ईश्वर इस इससे पसंद होगा क्योंकि अदरवाइज समाज में एक और भी अनैतिक गतिविधियां उत्पन्न होती तो इसलिए उस सेक्स रेशियो को देखते हुए प्रॉफिट मोहम्मद ने मुस्लिम पुरुष को अलाउ किया कि दे फोर वाइफ एट ए टाइम वो चार विवाह कर सकते हैं परंतु तो बाद में धीरे धीरे इस चीज को तलाके बिद्दत एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि तलाके बिद्दत जो है वो इोकेबल तलाक है तलाक एक प्रकार से इस्लाम के अंतर्गत जो डिओस का एक मेथड है तलाक इज अ मींस तलाक इज अ मेथड टू डिजॉल्व मैरिज टू ब्रेक मैट्रिमोनियल टाई अंडर मुस्लिम लॉ मुस्लिम मेल कैन जस्ट प्रोनाउंस दैट एविल वर्ड तलाक एंड बाई प्रोनाउंसिंग दैट तलाक ही कैन रिपोडट हीज मैरिज और ऐसी मानता है इस्लाम धर्म के अंतर्गत कि तलाकुल बिद्दत है जो थ्री टाइम्स अगर तलाक बोल दिया जाए पुरुष के द्वारा उस अपनी स्त्री को संबोधित करते हुए कि है ही हैज़ गिवन तलाक टू हिज़ वाइफ तलाक तीन बार यदि बोल दिया जिसको हम तलाक बिद्दत बोलते हैं या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिपल तलाक दा है बिद्दत है और इोकेबल होता है इसको वापस भी नहीं ले सकता तलाक के कुछ और फार्म हैं तलाक हसन तलाक हसन उन सब में है कि हस्बैंड तलाक को वापस भी ले सकता है उस शब्द को यदि वह अपनी पत्नी से कोहैबिट करता है सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो वह उसको आ, बाई इस्टैब्लिशिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप ही कैन रिस्टोर हिज मैट्रीमोनियल रिलेशनशिप वो अपने पूर्व की वैवाहिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है परंतु तलाक बिद्दत जो है ये इट वॉज़ नेवर अप्रूव बाई प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद ने इस प्रकार के तलाक को कभी अप्रूव नहीं किया तलाक़ सुन्नत तो है लेकिन उन्होंने कहा कि दैट इज वर्स्ट फार्म ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज और जो इस्लाम में सबसे वर्स्ट फार्म है वह है तलाक एंड दैट शुड बी यूज इन रेयरस्ट ऑफ रेयर केस उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि यह रेरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसको यूज किया जाना चाहिए वेन वेन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव पीसफुली वेन इट इज़ इम्पॉसिबल टू वेन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव एमिकेबली पीसफुली यदि पति पत्नी के मध्य शांतिपूर्वक जीवन जीना संभव न हो पाए दोनों एक शांतिपूर्वक दोनों एक दूसरे के जान के लिए खतरे हों तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकार को मुस्लिम को ये राइट होगा हस्बैंड को राइट होगा कि वो अपनी वाइफ को तलाक देकर के और उससे मैट्रीमोनियल रिलेशनशिप ब्रेक कर ले परंतु तलाकी बिद्दत को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये शाहरा बानो केस में क्या हुआ कि शाहरा बानो एंड अदर्स के वजह से वह एक केस है शाहरा बानो एंड अदर्स वर्सन ऑफ इंडिया तो फ्रॉम शाहबानो टू शाहरा बानो तो मैं यह बातों बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समझ करीब नाइन ऐसी एट या नाइन ऐसी पेटसन्स थी जो पेंडिंग थी जिसमें केवल और केवल वो डिजर्ट ट्रिपल तलाक से ही थी किसी या तो किसी के किसी मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी वाइफ को व्हाट्सएप चैट के माध्यम से डिवोर्स दे दिया था या किसी मुस्लिम हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ईमेल्स के माध्यम से डिवोर्स दे दिया था तलाक दे दिया था अब देखें कि व्हाट्सअप से व्हाट्सअप चैट पे हस्बैंड ने लिख दिया कि आई हैव गिवन ट्रिपल तलाक़ टू यू तलाक़ बिद्दत टू यू वो मैंने उस पर लिख दिया व्हाट्सएप पे लिख दिया तलाक़ बिद्दत वाइफ को पता चला कि वो मैट्रीमोनियल रिलेशनशिप ब्रेक हो गई मॉर्निंग में हस, मार, एक ऐसी केस आई कि सुबह पत्नी उठती है और व्हाट्सअप अपना मोबाइल व्हाट्सअप चेक करती है उसमें देखती है कि उसके हस्बैंड उसका हस्बैंड जो दूर है वह हस्बैंड अपनी पत्नी को उस व्हाट्सअप पे लिख दिया था कि मैंने तुम्हें ट्रिपल तलाक दिया तीन तीस तीसरी ती, 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 बार तलाक दे दिया ये रेकेबिल है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ अब ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका पी फाइल किया कि ऐसी स्थिति में जहाँ पे कि ईमेल से जो है तलाक दिया जा रहा है सुबह उठ पत्नी उठ सुबह उठ सो के उठती है और मोबाइल चेक करती है देखती है उसके हस्बैंड ने उस पर व्हाट्सएप चैट में तलाक उसे दे दिया है तो कंसिडरिंग द ग्रेविटी ऑफ तलाक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंटरव्यून इन दिस मैटर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें इंटरव्यून किया कि यह जो ट्रिपल तलाक है यह भारतीय संविधान की आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत प्रत्याभूत जीवन के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस जो जीने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है राइट टू लाइफ दैट इज फंडामेंटल राइट और वह जीने का अधिकार मुस्लिम स्त्रियों को भी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है भारतीय मुस्लिम स्त्रियां, महिलाएं भी संविधान की आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार रखती हैं और ये जो ट्रिपल तलाक है तिलाके बिद्दत है उसके प्रति एक प्रकार से उन भारतीय मुस्लिम स्त्रियों के प्रति एक मानसिक हिंसा है एक मेंटल क्रुएल्टी है कि जहाँ पर भारतीय जो मुस्लिम स्त्रियाँ हैं वह सुबह अगर शोक उठती हैं देखती हैं कि व्हाट्सएप पे मोबाइल में उसके हस्बैंड ने आ, डिओस तलाक दिया हुआ है मेल चेक करती हैं अपना तो मेल पे हसबैंड ने तलाक दिया हुआ है यह एक प्रकार से मेंटल क्रायलिटी है और ये जो ट्रिपल तलाक है यह ट्रिपल तलाक भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस के, के अंतर्गत प्रदत्त जीने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है एक, एक मुस्लिम स्त्री को मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार से वंचित करता है अतः ट्रिपल तलाक तलाक विद्यत असंवैधानिक है 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया और यह भी कहा कि 2017 के पश्चात मुस्लिम पुरुष के द्वारा तलाके विद्यत तलाक शब्द का प्रोनाउंसमेंट यह अपराध होगा और भारतीय संसद इस पर कोई कानून बनाए अब इसमें न्या, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक तर्क प्रस्तुत किया गया मुस्लिम समुदाय के द्वारा कि यह ट्रिपल तलाक को बैन करना ट्रिपल तलाक जो आप इसको बैन करने जा ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक कर रहे हैं यह ट्रिपल तलाक में हस्तक्षेप करना यह धार्मिक स्वतंत्रता मुस्लिम पुरुषों के धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है इस्लाम इस बात की अनुमति प्रदान करता है कि मुस्लिम पुरुष स्वतंत्र हैं अपनी पत्नियों को तलाक देने के लिए परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया और निर्णित किया कि ट्रिपल तलाक कहीं से भी यह जायज़ नहीं ठहराया जा सकता यह संविधान के आर्टिकल इक्कीस में प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और यह धार्मिक स्वतंत्रता के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है और यह मुस्लिम पुरुषों के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता आपने देखा होगा कि वर्ष दो में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बना दिए गए निर्णय के पश्चात भारतीय संसद ने ट्रिपल तलाक को तलाके विद्यत को अपराध घोषित करने के लिए वर्ष 2019 में कानून बनाया जिस कानून का नाम है मुस्लिम मुस्लिम मैरिज इन ब्रैकेट मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वमेन ऑन मैरिज एक्ट नाइन तो ये 2019 के एक्ट के द्वारा एक uh, संसद ने कानून बना दिया कि प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन फ्रॉम मैरिज एक्ट 2019 जिसके अंतर्गत तलाके विद्यत को ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया अब वह तलाक वर्ड का प्रोनाउंसमेंट मुस्लिम पुरुष को तीन वर्ष तक के कारावास के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है और जुर्माना भी ले जा सकता है उस अधिनियम के अंतर्गत अब तलाक शब्द का तलाक शब्द का बोलना या ट्रिपल तलाक देना पत्नी को अपराध माना गया है जिसमें यदि पत्नी ने एफ की पत्नी ने यदि कंप्लेंट की तो उस पुरुष को तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना भी हो सकता है आप ये समझें कि उस इस ट्रिपल तलाक की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उसे संजेह और अजमानती बनाया है कि ट्रिपल तलाक की जैसे एफ होगी संगेह अपराध की स्थिति में पुलिस बिना न्यायालय के आदेश के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है और पुरुष को जमानत भी नहीं मिलेगी कानून में प्रावधान किया गया कि ऐसे मुस्लिम पुरुष को जमानत देते समय उस स्त्री को जरूर सुना जाएगा और स्त्री ने यदि विरोध कर दिया कि इसको जमानत न दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इस ट्रिपल तलाक की स्थिति में पुर, मुस्लिम पुरुष जमानत के अधिकार से भी वंचित हो जाएगा तो मैंने इसको आपको सारा बानो केस के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि आ, कैसे सारा बानो केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आ, ट्रिपल तलाक यह मुस्लिम स्त्रियों के मौलिक अधिकार का जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है और यह असंवैधानिक है मुस्लिम स्त्रियों को भी मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया गया दूसरा इसमें आर्टिकल लिखा हुआ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आप देखें संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है अब संविधान के आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स आप स्क्रीन पर अगर उसको देखें तो लिखा है मैंने एक तरफ लिखा हुआ है कि आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं का निर्माण संपत्ति अर्जन प्रबंधन का अधिकार होगा अर्थात यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को भी प्राप्त है अपने धर्म प्रचार प्रसार करने की और संस्था निर्माण के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है परंतु तो इस पर भी नियंत्रण लगाया, लगाया जा सकता है निर्बंधन लगाया जा सकता है पब्लिक आर्डर लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन की स्वतंत्रता पर सदाचार स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है इसमें देखें सबसे महत्वपूर्ण यह प्रावधान आर्टिकल 26 व्यक्ति को यह राइट देता है कि वह अपने धर्म के प्रचार प्रचार प्रसार के लिए यदि कोई संस्था का निर्माण करना चाहता है तो संस्था निर्माण के माध्यम से भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है जैसे हमने देखा आर्य समाज लोगों ने अपना धर्म प्रचार प्रसार के लिए संस्था का निर्माण किया है किस मिशन है राम किस मिशन के माध्यम से संस्था का प्रचार प्रसार करने प्रबंधन के उसके मैनेजमेंट की पावर उनको मिल सकती है ऐसे ही सिख धर्म के लिए भी दिया हुआ है आप अब देखें इसमें एक केस मैंने लिखा है स्लाइड में अजीत बाशा बनाम भारत संघ ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब इस केस में अजीत बाशा के द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक केस फाइल किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चूंकि सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनवाया गया तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना चूंकि औ, सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी इसलिए यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक मुस्लिम संस्था है इसके पोषण का इसके प्रशासन का अधिकार मुस्लिमों को दिया जा सकता है परंतु उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना अधिनियम के तहत हुई है आएक्ट के तहत हुई है न कि किसी मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा की गई है यद्यप कि सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना इस किया था उस स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था परंतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना एक एक्ट के पार्लियामेंट संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई है और अधिनियम के प्रावधान उस पर लागू होते हैं वह व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है सरकारी संस्था है इसलिए याचिक पेटिशनर इसका दावा नहीं कर सकता कि उसके पचास उसके प्रशासन का उसके प्रबंध और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल 26 के अंतर्गत उसे दे दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ए एमयू जो अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके पोषण का अधिकार मुस्लिमों को नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना एक्ट के द्वारा की गई है तो मैं समझता हूं कि मैंने आ, इस धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया कि आ, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 25, 26 के अंतर्गत दी गई है एक केस माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष और भी आई हरियाणा राज्य में यह प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति दो से अधिक बच्चे होंगे वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पंचायती चुनाव में उन्हें निर्योग्य घोषित किया जाएगा जावेद अहमद वर्सेस हरियाणा राज्य की केस है जिसमें जावेद के द्वारा इस आधार पर उस कानून को कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप है राज्य के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो किसी व्यक्ति को दो से अधिक बच्चे रखने दो से अधिक बच्चे की स्थिति में चुनाव प्रक्रिया में चुनाव लड़ने से आयोग घोषित करता है वह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा ठीक मैंने इसके पहले स्लाइड बताया था देखें आप इसको अगर स्क्रीन पर स्लाइड पर तो मैं इसको संक्षेप में आपको बताने का प्रयास जावेद बनाम हरियाणा राज्य ए आई आर टू थाउजेंड टू सुप्रीम कोर्ट इस केस को इसमें लिखा था चुनाव के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया हरियाणा राज्य में पंचायत चुनावों के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया विधानसभा के द्वारा कि केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जो दो बच्चे होंगे दो बच्चे से अधिक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा तो उस नियम को जावेद के द्वारा चुनौती दी गई परंतु उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के लिए अगर ऐसा कोई कानून बनाया गया है तो दो बच्चों की जो बाध्यता है अनिवार्यता है यह संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता में कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं करता और उससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको संविधान के आर्टिकल 25, 26 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में बात की है उसमें मैंने 25 में लिखी गई बात उसमें लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधन जो महत्वपूर्ण केस अरुणा राय बनाम भारत संघ इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ अयोध्या मामला अयोध्या केस को भी मैंने बताया संविधान के आर्टिकल वन से मैंने जोड़ने का प्रयास किया कि कैसे अयोध्या केस को भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से विधिक राय के लिए भेजा संदर्भित किया और देन उसके बाद मैंने बताया कि एस आर बोमई की केस में कैसे भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णय किया गया कि धर्मनिरपक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है और मैंने एस आर बोमई की केस में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को भी विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है जावेद वर्सेज हरियाणा की राज्य की केस को मैंने बताने का प्रयास किया शायरा बानो बनाम भारत संघ की केस में मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रिपल तलाक को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक घोषित करते हुए निर्णित किया कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है तो इस इन सभी केस के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान और जितने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं वे मैंने आपके समक्ष रखा और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस व्याख्यान को और इस रूप में केवल आप देखें तो न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि लिखित परीक्षा में भी आप शत प्रतिशत सफल होंगे और मुझे आ, ऐसा लगता है मैंने अजीत बादशाह बनाम भारत संघ की केस को भी बताया कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्थापना के प्रशासन प्रबंधन और प्रशासन के क्लेम किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी निर्णय दिया तो यदि इस पूरे के जितने भी मैंने इस व्याख्यान एक घंटे के व्याख्यान में मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया कंटेंट उस कंटेंट को आप देखेंगे अनसॉल्व पेपर के आधार पर तो प्रारंभिक परीक्षा हो या लिखित परीक्षा हो उससे अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा और इन परीक्षाओं के लिए न तो पी सी एस जे किए के, केवल न केवल पी सी एस जे और आई एस पी सी एस के लिए बल्कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कोई क्लैट की जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लैट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो भी क्लैट या क्लैट में एल की एंट्रेंस परीक्षा पर क्लियर करना चाहते हैं तो भी ये बहुत उपयोगी होगा तो मैं समझता हूँ कि आ, मैंने सभी पहलुओं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर करने का प्रयास किया और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपके लिए यह व्याख्यान बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा धन्यवाद थैंक यू